Okay, so hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So guys, कैसे हैं सभी? I hope कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे. तो guys, मुझे यार पिछली वीडियो के यार कमेंट बॉक्स में यार काफी चीजें मतलब सुनने को मिल रहा है कि भाई हमारे में वो स्टोरी वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, हमारे में भाई वो कैमरे के साइड में वो एड फोटो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा. तो गाइस मैं आप सभी का सोल्यूशन लेकर आ गया हूं. तो गाइस आप सभी को करना क्या होगा, गाइस आप सभी को सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसके में वो ऑप्शन नहीं आ रहा है. एंड गाइस जिसके में ऑप्शन आ रहा है एंड आप चाहते हो ऐसी स्टोरी लगाना, तो मैं गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगा गाइस उस वीडियो की, आप उस वीडियो को देख लेना. आपको सिंपली आप वहाँ से स्टोरी लगाना सीख सकते हो. एंड गाइस जिसके में ऑप्शन नहीं आ रहा मैंने गाइस उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है. एंड गाइस आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा वीडियो को, आप सभी को वीडियो का ही सॉरी गाइस ऐप का लिंक मिलेगा, आप सभी को उस ऐप को डाउनलोड करना है गाइस. ठीक है, वीडियो को देखने के बाद उस ऐप को डाउनलोड करना, पहले वीडियो को देख लो समझ लो फिर उसके बाद जाना गाइस डाउनलोड करना. ठीक है, तो गाइस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना. एंड गाइस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि तुम्हारा भाई आप सभी के लिए इतनी मेहनत करता है, आप इतना कर ही सकते हो. एंड गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यार आप सभी ऐसी ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियो मिलती रहती है. तो गाइस चलिए हम सिंपली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. सो गाइस सिंपली पहले आप सभी को करना क्या गाइस देखिए. ठीक है गाइस ध्यान से वीडियो को देखना गाइस. ठीक है, तो पहले आप सभी को गाइस इस वाले ऐप को डाउनलोड करना है गाइस. ठीक है, तो गाइस आप सभी को नीचे दिख रहा होगा ये वाला ऐप. ठीक है, तो आपको इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, आप सिंपली डाउनलोड कर लेना गाइस. ठीक है, एंड उसके बाद इसको ओपन करना गाइस. ठीक है, फर्स्ट स्टेप को आपको गाइस इनेबल कर देना है गाइस. सेकंड ऐप को भी इसको गाइस आपसे पूछेगा आपको कौन सा सॉफ्टवेयर वो कौन सा कीबोर्ड चाहिए, तो गाइस ये माइक्रोसॉफ्ट वाला इसको इनेबल कर देना. गाइस थर्ड ऑप्शन को आपको नहीं छेड़ना है. ठीक है, बैक आ जाना है सिंपली गाइस आपको. ठीक है, एंड उसके बाद गाइस आप सभी को अपने इंस्टाग्राम को ओपन करना है गाइस. ठीक है, तो गाइस मैंने इंस्टाग्राम को मैं ओपन कर लिया गाइस. ठीक है, तो मैंने अपना इंस्टाग्राम को गाइस मैं ओपन करके नहीं रखता हूँ, तो गाइस इसलिए मैं मतलब अभी लॉगिन कर लेता हूँ गाइस को पहले मैं. ठीक है, सो मैंने लॉगिन कर लिया. एंड गाइस लॉगिन करने के बाद गाइस आप सभी को करना है कि अपनी प्रोफाइल में जाना गाइस. ठीक है, आप सभी को अपनी प्रोफाइल में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपनी फोटो को सिलेक्ट करना जिसका आप स्टोरी लगाना चाहते हो गाइस. ठीक है, तो पहले मैं अपनी फोटो को ले लेता हूँ गाइस जिसका मुझे स्टोरी लगाना गाइस. मेरे को इस फोटो को स्टोरी लगाना है, तो मैं गाइस सिंपली शेयर वाले ऑप्शन पर जाऊँगा गाइस. ठीक है, एंड गाइस उसके बाद जाऊंगा मैं ऐड टू स्टोरी में गाइस. ठीक है, तो मैं इसको स्टोरी में ले जाऊंगा गाइस. ठीक है, एंड उसके बाद गाइस आप सभी को करने का गाइस आप सभी को टेक्स्ट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है गाइस ऊपर कोने में गाइस आप सभी को इसमें जाना गाइस. ठीक है, एंड इसमें जाने के बाद गाइस ये देखिए मेरा कीबोर्ड ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है. तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं नीचे साइड में आप सभी को ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा गाइस. अगर आपका नहीं आएगा ये कीबोर्ड तो गाइस आप सभी को ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस वाले कीबोर्ड पे जाना है. एंड गाइस आप सभी को यहां पे ओपन मिल जाएगा गाइस. ठीक है, तो गाइस ये जो जीबोर्ड वाला है आप सभी को ये वाला ले लेना, तो गाइस ये आपका मतलब जो फोन में होता वाला कीबोर्ड आ जाएगा. एंड गाइस अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो वहीं पे क्लिक कीजिए. एंड गाइस माइक्रोसॉफ्ट है जो ये भी इस पर सिलेक्ट कर लेना गाइस. ठीक है, तो आप सभी को वाला कीबोर्ड आ जाएगा. एंड गाइस उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आप सभी को गाइस ये ऊपर ये इमोजी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा गाइस. ठीक है, IGF वाला, इस पर जाके आप करना है. ठीक है, एंड इसका ये साइड में आपको पिन वाले ऑप्शन में जाना है. एंड गाइस इसको ओके कर देना गाइस. ठीक है, एंड उसके बाद गाइस आप सभी को ऊपर ये ऐड फोटो का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है एंड गोट इट कर देना गाइस. ठीक है, एंड उसके बाद गाइस अगेन मतलब आपसे ये कुछ परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ कर देना है. ठीक है, एंड उसके बाद जाना आप सभी को दोबारा गाइस यहीं पे गाइस. ठीक है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना गाइस. ठीक है, एंड इस ऐड फोटो पे क्लिक करना गाइस आप सभी को कैमरे वाला आइकन पे. एंड गाइस उसके बाद आप सभी को अपनी फोटो को ढूंढ लेना गाइस. ठीक है, तो वो फोटो आपको मिल जाएगी यहाँ पे. तो गाइस ये देखिए मैंने फोटो को अपनी ले लिया है यहाँ से, तो गाइस मेरी फोटोज मिल चुकी है. तो गाइस मैं यहाँ से अपनी फोटो को ले लेता हूँ. ठीक है, सिंपली इस तरीके से. एंड गाइस इसको हम यहाँ से सिंपली सेंड करेंगे गाइस. ठीक है, तो ये हमारी फोटो यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है, एंड उसके बाद गाइस आप सभी को अगला स्टेप क्या करना है गाइस, आपको गाइस इसके नीचे जाना है गाइस. इसको मतलब आपको ये जो आपकी स्टोरी वाली फोटो इसको गाइस आप सभी को नीचे लेके जाना है. ठीक है, एंड इसके बाद आपको गाइस जो मैंने पिछली वीडियो में समझाया था सेम वैसा ही स्टेप है गाइस, आप सभी को वैसे ही करना है गाइस. एंड ध्यान देना गाइस, नहीं तो अगर आप गाइस मतलब फोटो को ध्यान से सेलेक्ट करना, अगर आप देखो गाइस अगर ऐसे टच कर दोगे गाइस दूसरी फोटो तो गाइस वो नीचे चली जाएगी, तो इसलिए आप गाइस थोड़ा आराम से टाइम देके करना गाइस. ठीक है, तो ये फोटो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ गाइस. ठीक है, एंड नीचे की तरफ गाइस आप सभी को थोड़ी सी जगह छोड़नी है ताकि गाइस आप नीचे वाली फोटो को आप टच कर पाए. ठीक है, तो ये देखिए मैं फोटो ले आता हूँ यहाँ पे. ठीक है, एंड सिंपली मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ. ठीक है, एंड सिंपली मैं सेंड टू कर दूंगा गाइस. ठीक है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा गाइस. ठीक है, ये मेरी स्टोरी लग गई गाइस. ठीक है, तो मैं आप सभी को स्टोरी को एक बार गाइस मतलब दिखा देता हूँ गाइस मेरी स्टोरी कैसी लगी है. एंड गाइस मैं आप सभी को फोटो भी ओपन करके दिखा देता हूँ. तो गाइस हम चलते बैक. ठीक है गाइस, एंड इसको हम अपनी स्टोरी को ओपन करते हैं. ठीक है, एंड देखिए गाइस मैं अपनी ये फोटोज गाइस. ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो. मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय.